स्वातंत्र्य पूर्ण है और जहां एकाद स्वातंत्र खंडित भयो वहां अपन पूरा स्वातंत्र नहीं है, पार्शियल कुछ स्वातंत्र है। सो जो आसुरी जीव है वाकी सिस्टम देखो क्या है, एकमेवा द्वितीय को जो बहुना बहुभवनानंद है, मैं एक अद्वितीय हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो मेरे अलावा कोई नहीं है वहां में मुकु बहुत बनने की सामर्थ्य है, मेरे में बहुत बनने की सामर्थ्य है, वाक्य कारण में बहुत बनियो। अब जब वाक्य कारण में बहुत बनियो तो वो बहुत तरीके से मैं अपना मजा लू, वो जो नियति है बहुत होने की, वहां में एक गायब हो जाए। जब बहुत बन गयो, जब बहुत बन गयो, एक बहुत बन गयो, तो वहां में एक गायब हो गयो, वो एक को अनुभव होनो बंद हो गयो। जब एक को अनुभव होनो बंद हो गया तो वो एक नियति की तरह, डेस्टिनी की तरह अपने पे इंपोज्ड हो जाए मल्टीप्लिसिटी। वह मल्टीप्लिसिटी को जो मजा ले रहे हैं ना, एक के अनेक भाग में सेगमेंटेड होने को जो आनंद है, वह को जो आनंद ले रहे हैं, वो सब कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन है। बात समझ में आई? दैवी जीव वो क्या कहना चाह रहे हैं, दैवी जीव कहना चाह रहे हैं कि बहुभूता नाम, वो वही कई पार्ट है हो, वो जो प्रकृति के 24 तत्व हैं उनसे बनी भाई भूमि पर जैसे आसुरी जीव हैं ऐसे ये भी जीव हैं। वही जीव में रहने वाले जीवन को बहुभूता नाम एकमेवा द्वितीय आनंद विषय का नियति सुस्वातंत्र। वो जो नियति है कि मैं बहुत हो गया, तब तुम एक को मुकु नहीं चाह सको, एक को मुकु जान नहीं सको, एक को मुकु अप्रोच नहीं कर सको, तुमको तो बहुत को ही अटेंड करना पड़ेगा। अरे भाई हम कोई द्रौपदी थोड़ी है कि 5 पांडव को अटेंड करें, हमारो कोई एक है, आयो ख्याल में? तो वो जो एक को अटेंड करने की जो ऐसो जीव बनानो के जो बहुभवन है वाकू, वो बहुभवन को पोस्टपोन करके एक को अटेंड करे, वो अन्यथा कर तुम सामर्थ्य प्रभु की के ऐसो भी जीव को रूप धारण कर सके। और अकर्तुम सामर्थ्य को मतलब क्या कि सृष्टि को पाछो आश्रय रूप जो है वो बहुभवनम को अकर्तुम करतुम जो सामर्थ्य है कि बहुभवन को सबको सस्पेंड सब। फिर पाछो अंदर सबको एब्जर्व कर लियो और सारो बहुभवन अकृत हो गयो, तो सारो बहुभवन अकृत हो गयो वाकी अकर्तुम सामर्थ्य। वह तरीके को जो पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा है, वह स्वतंत्र क्रीड़ा करने वाले पुरुषोत्तम की नीचे उतरो, देखो थोड़ो यो सर का बराबर। अरे यहां आनंद कहां गायब हो गयो, लीला की बात चल रही है वहां में। नारद जी ने तो नहीं बहका दियो? अच्छा अच्छा, तो आनंद ला पाछो। अच्छा या तरफ है, सॉरी, फिर हरकत नहीं आएगी। देखो ब्रह्म को अपन सच्चिदानंद जो कह रहे हैं, वह ब्रह्म को सत जो है वो बराबर चित के है, इक्वलेंट टू चित है, चित जो है वो इक्वलेंट टू आनंद है ब्रह्म को। पर जब वाने बहुभवन को सामर्थ्य प्रकट कियो ना, वह बखत सत में सु क्रिया प्रकट हो गई और चित्त में सु ज्ञान प्रकट हो गया और आनंद में सुख प्रकट हो गया। अब चित बराबर सत है, सत बराबर सत बराबर चित है, चित बराबर आनंद है, पर क्रिया बराबर ज्ञान नहीं है। क्रिया कुछ और बला है, ज्ञान कुछ और बला है, आयो ख्याल में? मोटर चले है पर वाकू ज्ञान नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस ऐसे हैं कि उनको ज्ञान है पर चले नहीं है। तो जहां क्रिया है वहां ज्ञान नहीं है, जहां ज्ञान है वहां क्रिया नहीं है, और जहां क्रिया ज्ञान हो वहां सुख है कि नहीं? अपन ये वीडियो कैमरा को पूछेंगे भाई तेरे को सुख है, तो आपको कहेगा काय को सुख, ये हम सुख दुख को कोई सवाल नहीं, हम तो ब्राह्मी स्थिति में भैंस की जैसे, न सुख है न कोई दुख है। तो वह बात को समझो कि ये सब चीज यहां सेगमेंटेड हो गई, हर चीज डिवाइडेड हो गई। जो सच्चिदानंद ब्रह्म एक यूनिफाइड होमोजीनियस है, तो वो सेगमेंटेशन में बट गयो,
क्रिया में, ज्ञान में और सुख में। अब वो जो क्रिया है वहां में से दो चीज पैदा हुए हैं। क्रिया बहुत जब माने इंटेंसिफाई हुए तो वो रूप धारण करे, और वही क्रिया जब चेतना में जावे है तो वो कर्म को रूप धारण करे। उनको आपस में या तरीके को नाम रूप के साथ इंटरेक्शन हुए जीव में आयो, या कर रूप और कर्म के कारण जड़ प्रकृति हो रही है और ये नाम की कंटिन्यूएशन में वो लाइन छूट गई है हमें, और नाम के कंटिन्यूएशन में जीव है। नाम के कंटिन्यूएशन में देखो जीव है, ये रूप और कर्म के कारण जड़ प्रकृति पैदा हो रही है, और नाम के कारण जो जीव पैदा हो रहा है वो जीव पुरुष और जड़ प्रकृति पाछे एक दूसरे से इक्विवेलेंट नहीं है। जड़ पुरुष कुछ अलग पुरुष है, जीव पुरुष जड़ प्रकृति कोई अलग चीज है, या को अपन मैटर कहें, मैटर कोई अलग चीज है, और ये जो जीव पुरुष है वो एक माइंड के जैसो, माइंडफुल, एक हर एक चीज को माइंड करने वालों, फॉर गुड और फॉर वर्स माइंड करने वालों, एक जीव पुरुष एक अलग है। वह जीव पुरुष के पाछे दो भेद क्यों हो रहे हैं, आसुरी और दैवी, कि वो जो जड़ प्रकृति है वामेसु एक माया है और एक अविद्या है। ये सारी इनने बात बताई हूं, ये तो मैं चार्ट में बता रही हूं, आपको एक विजुअल पूरा पिक्चर मिल जाए इनके पहले सर्ग लीला को, सर्ग लीला को पिक्चर ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं वो देखो। तो एक माया है, वह माया में सु विषय पैदा हुए, पहलो ये विषय, और वो विषय जो है वो देह इंद्रिय प्राण चित्त अहंकार ये सब वह वाकसु विषय पैदा हो रहे हैं। वह माया में सु एक अविद्या वाक और एस्पेक्ट है, वह अविद्या के कारण क्या हुआ है कि ये जो आसुरी जीव है वाकू अपनी रियलिटी को भान नहीं रह जाए कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं या को भान नहीं रह जाए है वाक कारण, वह हकीकत को वो समझे है, वो हकीकत मल्टीप्लिसिटी लीव है करके वो मल्टीप्लिसिटी को ही एंजॉय करे, यूनिटी को एंजॉय नहीं कर पावे। वो कर्म जड़ है, वो आसुर है, वो अन्य उपासक है। आसुर को मतलब भगवान की ये क्रिया शक्ति में सु पैदा भयो, वो आसुरी भाव है जाकू ये कह रहे हैं कि पर पोतानी व्यक्ति करे वा, पोतानी व्यक्ति देखो कैसे भाई क्रिया में सु और ज्ञान में सु पोतानी व्यक्ति भई है, पर पोतानी व्यक्ति करे वा सृष्टि ते द्विधा प्रकार दैवी आसुरी बे उपजावी प्रभु मन करी के चार। कोई शैतान ने कुछ किया ही नहीं है, सब या तरीके की सिस्टम में ये काम भयो है। आसुरी शब्द वा के लिए गाली गलोच को वापरे जा रहे हो या सो अपने को लगे कि कुछ और गलत बात हो गई है, गलत बात कुछ नहीं भी है। वो अपनी व्यक्ति या तरह से कर रहे हो, वो अपने आप को क्रिया के रूप में व्यक्त कर रहे हो, वो अपने आप को ज्ञान के रूप में व्यक्त कर रहे हो। वा ने दो सिस्टम प्रोग्राम के तहत सोची है कि कोई मेरो यूनिटी एंजॉय करे, कोई मेरी मल्टीप्लिसिटी एंजॉय करे। तो जो वा की मल्टीप्लिसिटी को एंजॉय करे वा को वा ने आसुरी नाम दे दियो कि या को नाम आसुरी है। वो मल्टीप्लिसिटी एंजॉय करने के लिए कर्म में जड़ होना ही पड़ेगा ना, कर्म में जड़ नहीं हो तो मल्टीप्लिसिटी कैसे एंजॉय करेगा, कर्म में जड़ होना पड़ेगा वा को करके वो मल्टीप्लिसिटी एंजॉय कर रहे हो। और कोई को वा ने ऐसे कहो ऑल राइट तुम्हारा रोल क्या है कि तुम मेरी यूनिटी एंजॉय करो, तुम हो सब मल्टीप्लिसिटी में ही, मेरी क्रिएशन की जो मल्टी मेरी क्रिएटेड जो मल्टीप्लिसिटी है वाके फील्ड में तुम रहने वाले, कोई मल्टीप्लिसिटी को एंजॉय करो, कोई यूनिटी को एंजॉय करो। तो वो जो यूनिटी को एंजॉय करो उनको नाम वाने दैवी कर दियो है, थोड़ो यो कर यो, और वो दैवी के पाछे दो प्रभेद कर दिए हम कि कोई कुछ स्वरूप सो मुक्ति दे है, तो चार पांच प्रकार की मुक्ति है सालों के साष्टि सामीप्य सारूप्य के, तो जहां स्वरूप का आनंद देवे वो यो क्या कि तुम मेरी यूनिटी को एंजॉय करो, मेरे लोक में एंजॉय करना है मेरे लोक में एंजॉय करो, मेरी ग्लोरी में एंजॉय करना है मेरी ग्लोरी में एंजॉय करो, और मेरे
प्रोक्सीमिटी में एंजॉय करना है तो मेरी प्रोक्सीमिटी में एंजॉय करो, मेरे जैसे बन के एंजॉय करना है मेरे जैसे बन के करो, मेरे में मर्ज होने के करना हो तो मेरे में मर्ज होके मेरी यूनिटी को एंजॉय करो, एंजॉय माय यूनिटी। एक दूसरे और मॉडल वाने क्रिएट किया है कि नहीं नहीं मेरे को एंजॉय मत करो, मेरी लीला को एंजॉय करो। डिफरेंस समझ में आया ना, मुख मत एंजॉय करो, मेरी लीला को एंजॉय करो। लीला एंजॉय करने के पास तीन मॉडल बना दिए। लीला कौन कौन सी है? एक वाकी सृष्टि की लीला है महाप्रभु जी के, एक वाकी अवतार लीला है, और तीसरो जो है वो वाकी भक्ति लीला है। कि भक्ति के रूप में तुम्हारे दिल में वो प्रकट हो रहे हो। अपन यह समझ रहे हैं कि भक्ति अपन कर रहे हैं अपने अहंकार के कारण। महाप्रभु जी अपने को यह समझाना चाहे कि नहीं, जा बखत तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो वह बखत भगवान तुम्हारे दिल में प्रकट हो गया है लीला करने के लिए। जब तुमको भगवान में भक्ति जागी वह बखत भगवान तुम्हारे दिल में प्रकट हो गया कोई लीला करने के लिए। अब तुम थोड़ी खणखोद करके आपको बाहर करो तो बाहर भी आ जाएगा, नहीं तो पड़े रहेगा वहां अंदर। बीज जैसे अपन बोध है, बीज भाव जो है वो पड़े रहे, कोई दिन बरसात पड़ेगी तो पाछे खिल के उठे बाहर आ जाएगा, नहीं तो तब तक वो बुयो भयो रहेगा। बस इतना सा अंतर है। वाकु सिंचन करने के उपाय जैसे सृष्टि की लीला है, वाकु कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए विवेक धैर्य आश्रय वो महात्म ज्ञानोपयोग के उपाय है जो बड़े पैनोरामिक स्वतंत्र क्रीड़ा में अपने को दिखलाई दे रहे है। अवतार लीलाएं पाछी शुद्ध और मिश्र पुष्टि के ढंग से दो तरह से है। तो जो शुद्ध पुष्टि की लीला है वो तो लीला परिकर है, वहां साधना है ही नहीं कुछ। तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा केवल, वो खुद वहां अपने आके प्रकट हो जा रहे हो। अब बाहर आके आ जाए तो अपन क्या कर सके, पर जहां वो बाहर आके नहीं प्रकट हो रहे हो वहां मिश्र पुष्टि की है, तो वो अवतार लीला को अपन रिस्पॉन्स कौन सा दे सके? कथा को। अपन कहां ठाकुर जी के साथ द्वापर में रास खेलने जाएंगे? ये कात्यायनी व्रत के नाम पे उठा पढ़ा के सबको कह दियो कि तुम कात्यायनी व्रत करो और तुम यहां से साड़ियां टांग दो और भगवान को ना, अरे कोई भगवान साड़ी चोरने तुम्हारी नहीं आएगा, तुम्हारी साड़ी में इतना दम ही नहीं है, बेवकूफ हो तुम।